Pakistani actor Fawad Khan will soon be seen in a Bollywood film, Khoobsurat, opposite Sonam Kapoor. Fawad plays a prince in the film. Working in India was not a problem for him, as Sonam and the rest of the cast and crew made him comfortable. Watch Fawad talk about his experience working in India and what he likes about India the most. क्या कुछ किया एंटरटेनमेंट के लिए आज आप लोगों ने? हमने सिर्फ एक्ट्स को अप्रिशिएट किया. हम अंक नहीं दे रहे हैं एक्ट्स को, पर हमने अप्रिशिएट किया. बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्ट्स थे और हमें बहुत मजा आया देख के. बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत लोग हैं. और ये सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस की बात नहीं कह रहा मैं, लोगों का एटीट्यूड और लोगों का बर्ताव बहुत अच्छा है. एंड आई फील वेरी वार्मली वेलकम. हमने सुना है कि पाकिस्तान में भी इंडियन फिल्में देखी जाती हैं. बिल्कुल देखी जाती हैं, देखी जाती हैं, बिल्कुल देखी जाती हैं. सोनम कपूर किस नाम से जानी जाती हैं वहाँ पर, कुछ याद है आपको या कुछ पता है? सोनम कपूर के नाम से जानी जाती है. बिकॉज हिंदुस्तान में काफ़ी स्टाइलिश, नॉटी, फनी, यहाँ इस नाम से मानी जाती है. नाम के अलावा तो ऐसा कुछ माना नहीं. आई थिंक यू हैव अ पेट नेम इन द इंडस्ट्री. आपका है पेट नेम? नहीं नहीं, सोनम कपूर ही जाना जाता है. मतलब जिस तरह मैंने सुना है कि जो एक नाम जहन में आता है कुछ इमीडिएटली बेबो आई थिंक फॉर करीना कपूर, तो इस तरह के नाम जो हैं से आई डोंट थिंक कोई इनको जानता है वहाँ पे बाय हर नेम इट्सेल्फ इनको जानते हैं. कौन सी एक्ट्रेस बॉलीवुड की आपको सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती है? अभी तो फिलहाल आई थिंक फिल्म की प्रमोशन के लिए बेहतर है. नहीं, बट आई थिंक शी इज़ अ ग्रेट पर्सन. मुझे बहुत मज़ा आया इनके साथ काम करने का. अभी बस. और नहीं ये तो बात ही बताएगा. नहीं आई एम किडिंग. नहीं बहुत मज़ा आया. और जो सबसे मुझे अच्छी बात लगी है कि एक बहुत घरेलू सा माहौल था सेट पे काम करते वक्त, तो किसी भी पॉइंट पे कोई किसी किस्म की दिक्कत नहीं पेश आई और किसी किस्म की जो है मुश्किल नहीं लगी लोगों के साथ कम्युनिकेट करने में, बात करने में और उनके साथ काम करने में. एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज़ टू हर फॉर दैट. सोनम ईयरिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग पहन रखी, कुछ बना हुआ है शायद, उस पर कुछ बताएंगे सर? जी ये आम्रपाली के ईयरिंग्स हैं, ये मेरी पर्सनल कलेक्शन के हैं. बहुत ही पुराने ईयरिंग्स हैं. अभी रिहर्सल करते समय देखा था गिर गए थे मुझे. हाँ जी, हैवी ईयरिंग्स थे. अच्छा सोनम, कितना आपने इंजॉय किया? जी मैं एक्टर हूँ, सब कुछ करना पड़ता है. सबसे अच्छा क्या लगता है एंटरटेन करने के लिए लोगों को? डांस आपको पसंद है? जी मुझे फिल्मों में एक्टिंग करने में सबसे मज़ा आता है एंटरटेन करने के लिए. सर कल हमने कॉमेडी नाइट विद कपिल देखा और आप कह रही थी उनमें कि मार डालने वाले आपको ये लोग. आप कह रही थी कि फवाद आपको बिना शर्ट के पसंद है. ओ बाप रे, फवाद दिस इज गोना बिकम टॉकिंग पॉइंट. हां ये हमने एक जोक एक स्टार्ट की है चीज ताकि आप लोग जो है मजीद प्रमोशन की तरफ अट्रैक्ट हो. अगर आप लोगों को देखने का शौक है कि क्या निकलता है नीचे से. बट नहीं, अच्छा मजाक चल रहा है और आई थिंक इसी स्पिरिट में जो है कॉमेडी में ऐसे बहुत सारे ऐसे चीजें बोलने पड़ते हैं जो कॉमेडी हो. सॉरी. एंटरटेनमेंट के लिए आप आई हैं, आपको क्या लगता है सबसे जो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है वो क्यों है और आपके लिहाज से कौन लगता है? मुझे लगता है कि आई थिंक मुझे लगता है कि सब जो हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं. ये फिनाले एपिसोड है तो सब बेस्ट ऑफ द बेस्ट है. तो मैं एक जन को या एक ग्रुप को चूज नहीं कर सकती हूँ, ये बहुत ही अनफेयर क्वेश्चन है. लेकिन एक सरप्राइजिंग पैकेज ये इसमें कि मोना सिंह जो है अपने सिंगिंग के डेब्यू करने जा रही हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जी बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि मैं बिल्कुल गा नहीं सकती हूँ. तो जो भी एक मंच पे गाता है मैं उनको बहुत दिल से लक देती हूँ. फवाद आप हिंदुस्तान आए, बहुत सारा प्यार मिला, आपकी फिल्म को भी अप्रिशिएट मिले, आई एम श्योर कि फिल्म हिट होगी सुपर डुपर. पाकिस्तान लेकर के जाएंगे अगर सोनम को, तो कहाँ घुमाना चाहेंगे, कौन सी जगह होगी पाकिस्तान में? जहाँ पे घूमना चाहें, मैंने सुना है इनका इंटरेस्ट ज़्यादातर सिंध में है क्योंकि रूट्स आई थिंक रूट्स इनकी सिंधी हैं. तो आई थिंक वैसे तो देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस. हाँ पेशावरी भी हैं आई थिंक, ये सारे के सारे शहर और लाहौर तो खास तौर पे, वहाँ पे मैं मेज़बानी दिखा सकता हूँ इनको क्योंकि मैं वहाँ का रहने वाला हूँ. बाकी जगहों में मैं इनको सिर्फ रास्ता सिखा सकता हूँ कि आप किधर से किधर जा सकते हैं. नहीं बट इट वुड बी अ प्लेजर टू शो अराउंड पाकिस्तान. आई थिंक ये एक अच्छा मौका है हम सब के लिए एक तरह से कनेक्ट करने के लिए
और ये मौाक़े जो है कम आते हैं, जितना इसका फ़ायदा उठाया जा सके उतना बेहतर है। वैसे आपको हिंदुस्तान में कहाँ अच्छा लगता है घूमना? जितने शहर मैंने अभी तक देखे हैं, मैंने जयपुर, बीकानेर और बॉम्बे अभी तक गला और जोधपुर देखा है। क्या मेरे कान घुमाए? आई एम सॉरी, नहीं। अच्छा नहीं, मुझे सारी की सारी टीम ने इंक्लूडिंग सोन मिलके जो है आई थिंक जोधपुर और बीकानेर और जयपुर की जो है सैर कराई। मतलब वी जितना हम कर सकते थे हमने देखा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बॉम्बे तो एक बहुत खूबसूरत जगह है, आई मीन बहुत खूबसूरत शहर है एंड बड़ी प्रोग्रेसिव सी, बड़ी पॉजिटिव सी वाइब है यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। लेकिन आई थिंक जो ज़्यादा चीज़ मुझे इंटरेस्ट करती है वो मुझे किया है जो पुराना आर्किटेक्चर है या जो ज़रा ज़्यादा आई थिंक जो अभी तक अपनी एक एक तरह से पुरानी स्टेट के अंदर हैं, स्टेज के अंदर हैं, और जयपुर और बीकानेर जैसे शहर, तो वहाँ पे घूमने फिरने का, वहाँ पे देखने का, लोगों से मिलने का एक अलग ही मज़ा होता है। आई थिंक ओवरऑल आई हैड अ ग्रेट जर्नी इन दिस कंट्री। बॉलीवुड कंट्री रिपोर्ट।